सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मिलिट्री स्कूल के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। जो बच्चे इस साल का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं मिलिट्री स्कूल का, वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। लेकिन ये वीडियो जो है मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मिलिट्री स्कूल का क्या रहने वाला है। इसलिए गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का कट ऑफ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सो इसी तरह के गाइज वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर तरह के नोटिफिकेशंस और अपडेट जो है सैनिक और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड वो आप तक पहुँचता रहे। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या फैक्टर जो है वो हमारे कट ऑफ को अफेक्ट करता है, यानी कि कट ऑफ जो है किसी साल बढ़ जाता है, किसी साल घट जाता है, तो ये क्यों होता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अपीयर फॉर द एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट एग्ज़ाम में जो अपीयर कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कम है तो कट ऑफ कम हो जाएगा। दूसरा है कि द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, अगर क्वालिफाई कर जो कैंडिडेट है, जो जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और वो अपीयर किए एग्ज़ाम में, और अगर क्वालिफाई कर गए, ठीक है, जितना ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम के लिए उतना ही ज़्यादा कट ऑफ हमारा जाएगा। तीसरा आ जाता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी देखकर आपका जो है कट ऑफ सेट किया जाता है। कट ऑफ जो है कम जाएगा अगर क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल जो है अगर ज़्यादा रहेगा, अगर क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगा। और लास्ट है प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स, प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स को भी देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्लास 6 के लिए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया। अगर आपको कट ऑफ मार्क्स देखना है तो सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही आप कट ऑफ मार्क्स की ओर बढ़ पाएंगे। अगर आप क्वालिफाई किए ही नहीं है तो आपका आपको कट ऑफ मार्क्स देखने का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि सबसे पहले आप मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए हैं या नहीं ये चेक किया जाएगा, ठीक है। तो क्लास 6 के लिए जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में आपको 35% लाना होगा, ठीक है। और इधर टोटल मार्क्स दिया गया है, टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं 50, सारा 50 है। आगे बढ़ते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट में, इंटेलिजेंट टेस्ट में भी आपको 40% चाहिए, और जीके एंड करेंट अफेयर में भी 40% चाहिए, और टोटल मार्क्स जो है हमारा 200 मार्क्स का होता है। रिटर्न जो है हमारा 200 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू क्लास 6 के लिए 20 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू और रिटर्न दोनों को जोड़ ले तो 220 मार्क्स का जो है हमारा एग्ज़ाम, ओवरऑल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है मिलिट्री स्कूल के लिए, क्लास 6 के लिए। सो आगे बढ़ते हैं क्लास 9 के लिए, क्लास 9 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का जो है 50% होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, ठीक है। और जो है टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं, इंग्लिश का मार्क्स 50 है, हिंदी का 20 मार्क्स, सोशल साइंस का 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स का 50 मार्क्स और साइंस का 50 मार्क्स, और इंटरव्यू जो है हमारा वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। सो गाइज, टोटल मार्क्स जो है हमारा 250 मार्क्स हो जाता है क्लास 9 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स आपने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे जो है हमारा कट ऑफ। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक जारी नहीं हुआ है मिलिट्री स्कूल के द्वारा। जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले क्लास 6 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बताया जा रहा है आउट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। इधर एससी के लिए जो है, एससी के लिए कट ऑफ जो है हमारा वो जाएगा 160 to 165 तक, एसटी के लिए जो है वो है 155 to 160 तक, ठीक है। ओबीसी के लिए हमारा जो कट ऑफ जाएगा वो 166 से लेकर 170 तक कट ऑफ जाएगा, और जनरल के लिए जो है वो 180 से लेकर 185 तक जो है कट ऑफ जाएगा। तो ये है क्लास 6 का कट ऑफ, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है,
ठीक है, आगे क्लास 9th के कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये भी एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ 200 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एससी के लिए जो है 162 to 167 मार्क्स, एसटी के लिए जो है हमारा 158 to 163 मार्क्स, ओबीसी के लिए 169 to 174 मार्क्स, और गाइस जनरल के लिए जो है हमारा मार्क्स वो 182 to 187 मार्क्स आएगा। सो टोटल ये था हमारा जो है मिलिट्री स्कूल का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। मैंने इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी कवर कर दिया, और जो जो भी फैक्टर्स रहते हैं सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में भी ये काम आएगा, जो मैंने फैक्टर बताए ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। सारे एग्ज़ाम में ये यही फैक्टर जो है वो काम आते हैं। तुम ये सैनिक स्कूल के लिए भी काम करेगा, मिलिट्री स्कूल के लिए भी काम करेगा, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए जो है हमारा कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होता है हर साल। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।